जैसे एक किसी ने एक शादीशुदा इंसान से कहा कि इस हिंदी वाक्य का आप इंग्लिश में अनुवाद कीजिएगा। उसने कहा क्या है हिंदी वाक्य? कहा दुख हमेशा अपने साथ रहता है, दुख हमेशा अपने साथ रहता है, सुख आता जाता रहता है। अब इसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो इसने कहा वाइफ ऑलवेज स्टेज विद मी, गर्लफ्रेंड कम्स एंड गोज। पिटना चाहिए इसको, ऐसी गलतियां नहीं हो। इसलिए मैं गूगल ट्रांसलेट करना नहीं चाहता कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए अनुवाद में। बट इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। और हाँ जी सेमिया, थैंक यू, थैंक यू, वाओ, क्वाइट एन ऑडियंस, सेम हियर, नाइस। अमर उजाला के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और अब स्वर्णिम शताब्दी उत्सव मना रहे हैं, तो अमर उजाला को मेरा हार्दिक अभिनंदन और उनका हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज आप सबके उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर पाऊँ। आप में से कितने लोग स्कूल में स्पेलिंग में माहिर है, अच्छे अच्छे हैं, स्पेलिंग बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश स्पेलिंग्स? आप में से कितने लोग हैं जो स्पेलिंग्स में बहुत कमजोर हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता? एक बार एक टीचर क्लास में आई, 6 साल के बच्चे, और एक बच्चे को पूछा तुम कौन से स्टेट से हो इंडिया में, तो उसने कहा अरुणाचल प्रदेश से। मैं तो टीचर ने कहा थोड़ा स्पेलिंग बताओ, उसने कहा नहीं मैं गोवा से हूँ एक्चुअली, अरुणाचल प्रदेश का स्पेलिंग कौन बताएगा। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि सक्सेस का स्पेलिंग क्या है तो आप लोग दोहराएंगे, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ सक्सेस? ब्रिलियंट, SUCCES। जिन्होंने हाथ उठाया था कि वो स्पेलिंग में बिल्कुल बेकार है, खुजला रहे, एक सी है कि एक एस है, SUCCES। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो वन कैन स्पेल सक्सेस विदाउट यू। अगर SUCCES का यू निकाल दीजिएगा तो बचेगा SCCES, एंड देयरफॉर सक्सेस कैन ओनली बी स्पेल्ड विथ यू। अगर राष्ट्र का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, शहर का विकास करना है, किसी संस्था का विकास करना है, व्यक्तिगत विकास करना है, सक्सेस कैन ओनली बी स्पेल्ड विथ यू। यू मिसिंग फ्रॉम द स्पेलिंग ऑफ सक्सेस, गॉन, फिनिश्ड। मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, सवाल पूछते हैं और कई बार सवालों के जवाब भी बिल्कुल उठपटांग दे देते हैं। Can I walk into you guys? मैं नीचे हूँ? Yes, sir. I don't like stage. Stage is not the best place to be. It's a lonely place. Okay. अभी आपके साथ बच्चे, वो एक छोटी 4 साल की बच्ची दुकानदार के पास गई और कहती है अंकल अंकल मैं कैसी लगती हूँ? दुकानदार ने कहा बड़ी प्यारी लगती हूँ बेटी। उसने कहा तो अंकल मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरी शादी आपके बेटे से करेंगे? दुकानदार ने कहा जरूर करेंगे बेटिया। तो कहा तो अंकल अपने होने वाली बहू को एक फ्री 5 स्टार नहीं देंगे? बच्चे, किड्स आर किड्स, सवाल पूछते तो कई बार उठपटान और अगर जवाब देते तो कई बार ऐसे जवाब। टीचर ने एक बार एक बच्चे से पूछा कि when was महात्मा गांधी born? लड़के ने बोला ऑन हिज बर्थडे। इन विच बैटल वॉज टीपू सुल्तान किल्ड? इन हिज लास्ट बैटल। वेयर वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन? एट द बॉटम ऑफ द पेज। भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? ये लुक्का कहता है दारू के ग्लास में।
forgotten. We've forgotten. Kids can be funny, can ask funny questions, can answer, give funny answers. But sometimes the interactions between teachers and students can bring out the greatest wisdom. कई बार शिक्षकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में जो होता है उससे हमें विकास की सफलता की बहुत महत्वपूर्ण कुंजियां, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पिवोटल फॉर्मूले मिलते हैं। एक बार क्लास में एक टीचर आए और सब बच्चों से आई वॉन्ट टू ऑल जॉइन अस समिट। बच्चों ने कहा, टीचर ने कहा आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट अ सेंटेंस। 10 साल के बच्चे सेंटेंस लिखने में कौन सी बड़ी बात है? टीचर ने कहा नॉट जस्ट अ सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट हैज 10 वर्ड्स इन इट। बच्चों ने कहा सेंटेंस विद 10 वर्ड्स कौन सी बड़ी बात है, आसानी से लिख लेंगे। टीचर ने कहा नहीं, कभी नहीं हुआ पूरा। अ सेंटेंस विद 10 वर्ड्स बट एवरी वर्ड हैज टू हैव ओनली 2 लेटर्स, जैसे टू बी इफ ही मी। मुश्किल होते जा रहा था, एक वाक्य 10 शब्दों वाले लेकिन हर शब्द में केवल 2 अक्षर वाले शब्द। And that was it all. The teacher said a sentence with 10 words, each word with 2 letters, and the sentence has to be meaningful. नहीं तो आप लिखोगे if to be me he। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? बच्चे अपना सर खुजलाने लगे, जवाब मिला नहीं, बहुत कोशिश की, टीचर की ओर देखा मायूस होकर, टीचर बोर्ड की ओर गई और उस वाक्य के पहले 5 शब्द टीचर ने उस बोर्ड पे लिखे। जानना चाहेंगे? Make some loud noise in the world to hear the 5 words, guys! Love that! The first 5 words the teacher wrote on the board: if it is to be. If it is to be, अगर जिंदगी में कुछ होना है, अगर जिंदगी में कुछ बनना है, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अगर जिंदगी में ऊंचाइयों की सीमा तक पहुंचना है, if it is to be, अब सारे बच्चे सोच रहे थे अगले 5 शब्द क्या होंगे? 5 तो मिल गए, if it is to be, what will be the next 5 words? टीचर ने उन्हीं 5 शब्दों के कॉमा डाले, नीचे लिखा इफ इट इज टू बी कॉमा इट इज अप टू मी। इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। इफ इट इज टू बी इट इज नॉट अप टू द टीचर। इफ इट इज टू बी इट इज नॉट अप टू माय पेरेंट्स। If it is to be, it is not up to my husband or wife. If it is to be, it is not up to my bosses. If it is to be, it is not up to anybody. If it is to be, louder guys, if it is to be, brilliant. If it is to be, it is up to me. Perfect. Perfect. अब ऐसे कितने लोग थोड़ा वजन घटाना चाहेंगे? कितने लोग हाथ उठा रहे, वाह वाह वाह। मेरे एक दोस्त का वजन बढ़ गया, पेट बाहर आया उसका। मैंने उसको कहा भैया वजन कम करो थोड़ा। जानता है क्या कहता है लुका मुझे? कहता है वजन कम करके क्या करना है, वजन कम करके क्या करना है, आखिर सबको एक दिन मरना है। इसीलिए वजन कम करके क्या करना, आखिर सबको एक दिन मरना है, इसीलिए अभी जो भी खाना है खा लो मेरे दोस्त, क्योंकि अगले जन्म में फिर 3 किलो से ही शुरू करना है। वजन घटाना आपके जिम ट्रेनर की जिम्मेदारी है, वजन घटाना आपके न्यूट्रिशनिस्ट की जिम्मेदारी है, वजन घटाना आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है। इफ इट इज टू बी It is up to me. आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास करके फर्स्ट लाना, तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, यूथ है, और यूथ में जो पोटेंशियल होता है वो कहीं नहीं होता, और इंडियन यूथ में जो पोटेंशियल है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए बैठे सुंदर पिछाई जी वहां पर, जो भी यहाँ के यूथ थे,
tremendous potential to grow, tremendous potential to do, tremendous potential to achieve, tremendous potential to add value, tremendous potential to contribute. है ना? कैसे होगा? किसकी जिम्मेदारी है वो? हमारी. क्योंकि नहीं तो पहले विकेट तक उड़ते रहते हैं एग्जाम में. एक कॉलेज का बच्चा अपने पिताजी के साथ चल के जा रहा था, जब रास्ते पे तो उसको मैसेज आया दोस्त को, 5 मिनट में अपना रिजल्ट निकलने वाला है, तो अगर मैं फेल वेल हो गया और पप्पा ने फोन उठा लिया तो यही कुटाई हो जाएगी. इसलिए कोड लैंग्वेज में बोलना. एक में फेल हो गया तो बोलना गुड मॉर्निंग टू यू, समझ जाऊंगा मैं. दो में उड़ गया तो बोलना गुड मॉर्निंग टू यू एंड डैड. 5 मिनट बाद इसको मैसेज आया, गुड मॉर्निंग टू यू डैड फैमिली एंड फ्रेंड्स. दुर्भाग्य सब ने ये बदला. The best teachers cannot make the most biggest successful stories because if it is to be, it's up to me. Unless we take responsibility, विकास केवल एक कल्पना है. चाहे राज्य का हो, चाहे राष्ट्र का हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, all bloody imagination and all bloody conversations. कब तक विकास संभव नहीं? जब तक हर इंसान जिम्मेदार नहीं. विकास के लिए जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. जापान में लोग कहते हैं, इफ एवरीबॉडी कैन डू इट, आई कैन डू इट टू. इफ नोबडी कैन डू इट, आई मस्ट डू इट. और इंडिया में कहते हैं हम लोग, इफ एवरीबडी कैन डू इट, लेट देम डू इट. एंड इफ नोबडी कैन डू इट, हाउ कैन आई डू इट. जब तक ये नहीं बदलेगा ना, इफ एवरीबडी कैन डू इट, लेट देम डू इट, भूलिए जी विकास को. एंड इफ नोबडी कैन डू इट, हाउ कैन आई डू इट. इससे विकास न तो आपका होगा, मैं किसी और का. और इसलिए आज के सत्र की सफलता और विकास का पहला सूत्र क्या है? इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, हर लेवल पे. जब सब लोग करते हैं ना, तब एक साथ विकास होता है. आप में से कितने लोग अस्पताल गए कभी? ओके, थैंक यू. आप में से कितने लोगों को अस्पताल में नर्वस लगा है कभी? किसी को आईसीयू में देखकर टेंशन आई बहुत, है ना? माय गॉड, टेंशन आती है अस्पताल में जाके. कई बार एक बार एक सर्जन अस्पताल में सर्जरी कर रहा था, उसमें अपने नाइफ की बजाय स्कैल्पल की बजाय वो फूलों का हार लेके खड़ा था, माला, फूलों की माला. पेशेंट ने पूछा, सर स्कैल्पल की जगह फूलों की माला क्यों? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो मेरे लिए, नहीं तो तेरे लिए. किसी को तो पहना देंगे जरूर. किसी को तो माला पहनानी जरूरी है. देखिए जी, आप अस्पताल में जाते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो स्ट्रेस वाली होती है. अब वैसे कितने लोग कभी डिस्को थे क्या, क्लब गए हैं? वाह वाह, सारे बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं. ओह माय गुडनेस मी, क्योंकि वो सब देख चुके हैं करके, बाकी तो स्कूल के बच्चे बैठे हैं. आप किसी डिस्कोथेक में चाहिए जहां म्यूजिक चल रही है, लाइटें बज रही है, डीजे हो रहा है, वहां क्या आप ईश्वर पे ध्यान लगाइएगा? वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी पूरी अलग होती है. आप में से कई विद्यार्थी है, स्कूल के विद्यार्थी है, बच्चे हैं स्कूल के. आप जब सब स्कूल में एग्जाम के लिए जाते हैं, कभी परीक्षा होती है, तो कैसी एनर्जी ऊर्जा होती है? सब लोग बुक देख रहे हैं, लास्ट में सब टेंशन, आंसर याद आएगा क्या, क्वेश्चन याद आएगा क्या, यही ऊर्जा होती है. आप जानते हैं
कि जो अस्पताल है किससे बना? ईंट से। अरे हाँ बिल्कुल, लास्ट में भगवान भी आ जाते हैं एग्जाम में, दूसरा तो कोई चारा ही नहीं बचता। देखिए जी, अस्पताल बना है ईंट से, स्टील से, सीमेंट से, डिस्कोथेक और क्लब बना है ईंट से, स्टील से, सीमेंट से, स्कूल बनी है ईंट से, स्टील से, सीमेंट से, लेकिन हर जगह की ऊर्जा अलग अलग है, क्योंकि ईंट, पत्थर, सीमेंट और स्टील ऊर्जा नहीं क्रिएट करता। एनर्जी, वाइब और ऊर्जा कौन बनाता है? इंसान, लोग। When everybody comes together in a hospital and everybody is anxious, the vibration of the building is anxiety. When everybody is in a school and the whole, all students are anxious about study, exams, that is a certain vibe. Club में सब लोग आए हैं, सब लोगों ने मिला के ऊर्जा बनाई, enjoy, pleasure, dance, chill. हम सब लोग एक ऊर्जा create करते हैं। सब लोग एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं दोस्तों। अब में से कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप कहीं गए हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन आपको वेलकम नहीं लग रहा है वहां पे, लगा है कभी यू नॉट फीलिंग वेलकम, डो यू बीइंग देयर फील लाइक ओके। और कभी कभी आप कहीं जाते हो कुछ बिना बोले आपको ऐसा लगता है कि इंसान बस मेरे लिए रुका है ना, यू कैन फील द एनर्जी पैल्पेबली बिना बोले। मैं जब बोलता हूँ यूं तो बस आपके पास देख के आपकी बॉडी लैंग्वेज से एनर्जी समझ लेता हूँ कि कितना मेरे साथ है इंसान, समझ लेते हैं एनर्जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल ट्रांसमिटिंग एंटेनास क्रिएटिंग एनर्जी, एंड विच इज व्हाई सक्सेस नीड्स मैनिफेस्टिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आपको सफलता चाहिए, विकास चाहिए, अंदर एनर्जी सही होनी चाहिए, तभी आपके अगल बगल में उस एनर्जी को बनाओगे। जैसे चाहे डिस्कोथेक है हो या अस्पताल हो, लोगों ने मिलके उस बिल्डिंग की एनर्जी बनाई है। आज जैसे ही हम लोग बातें कर रहे हैं, कम ऑन गाइस, गिव अ लाउड चीयर। यू सॉ हाउ द एनर्जी चेंज्ड, कम ऑन गाइस, गिव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज। Look at how the energy changes. है तो बिल्डिंग जी, ये तो फर्नीचर है, लकड़ी है, ये लकड़ी है, लाइटें हैं, सीमेंट है, ईंटें हैं, स्टील है, लेकिन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी। अब तो डिस्कोथेक लगने लगा, लाइटें बंद हो जाए, डीजे आ जाओ। आपको एक बात बताएं, All our success, all our victory is first created here. आप में से कितने लोगों ने कभी किसी से बहस की है? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको लगता है कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। आप में से कितने लोगों ने पूरे बहस के आर्गुमेंट्स प्रैक्टिस किए थे अंदर जाने से पहले? अगर आप शादीशुदा हो तो जानते हैं क्या हो रहा है, अगर आप विवाहित है स्पेशली तो अगर पकड़े जाए तो आपको सब पहले ये बोलेंगे तो मैं ये कहूंगा। आप कभी इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए गए हो तो आपने कभी प्रैक्टिस किया अंदर से? आपने कभी एग्जाम का पेपर लिखते समय अंदर प्रैक्टिस किया रिविजन? अब में से कितने लोगों ने उस सीक्रेट प्लेस पर रिवीजन किया है जहां हम हर सवेरे कुछ करते हैं? द मोस्ट इसोटेरिक प्लेस फॉर रिवीजन, प्रातः काल की सारी जो हमारी क्रियाएं होती है उसके साथ जो रिवीजन होती है उससे बेटर रिवीजन। ये तो कहिए कर एब्सोल्युटली बोल रही है, वाउचिंग फॉर इट है ना। देखिए देवी सज्जन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर चीज जो पहले बाहर आती है पहले अंदर। एवरी बैटल इज फर्स्ट वन इन द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स।
every exam paper is first solved in the space between the 2 years. Every argument is first won in the space between the 2 years. Every answer to every interview is given in the space between the 2 years. So make sure that your space between the 2 years is sorted. If that space is not sorted, nothing outside will be sorted. जब तक आपके अंदर आपने सही चीज मैनिफेस्ट नहीं की हो, तब तक उस विकास को बाहर मैनिफेस्ट करना बहुत कठिन है जी। And which is exactly why, guys, it's very critical, very crucial, and very important. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे कह रहे हैं, हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं। और मैंने एक बात देखी है, जब तक व्यक्तिगत विकास नहीं होता, तब तक राज्य का विकास नहीं होता। राज्य के विकास पर हमारे सारे नौजवानों को, बच्चों को ये सीखना है कि पहले यहाँ जीतिए। यहां अगर जीत जाओ तो बाहर हार भी जाओ तो जीतोगे, और यहां अगर हार जाओ तो बाहर जीत भी गए तो एक दिन हारोगे। यहां जीतना सीखिए पहले। लर्न हाउ टू विन हियर। ओनली व्हेन यू विन योर बैटल्स इनसाइड इज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन योर बैटल्स आउटसाइड। गाइस, मैं मैंने एक बात कई सालों से मैं इन विषयों पर बोलता हूँ, और मुझे एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि महाभारत जैसा जो ग्रंथ है उसको धार्मिक कॉनोटेशन दिया जाए, गीता जैसा जो ग्रंथ है उसको धार्मिक बना दिया जाए। जो जीवन जीने का तरीका है, जो यहां जीतने का तरीका है, उसको धर्म के नाम पे बिकाऊ बना जाए। यू नो व्हाट, वन ऑफ द पर्संस हु हैड द बिगेस्ट क्राइसिस हियर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड अर्जुन। हार गया था इधर, जब यहां हार जाओ एवरीथिंग इज इन योर फेवर, एवरीथिंग कैन बी इन योर फेवर, बट इफ यू लॉस्ट हियर ब्लडी योर लॉस्ट एवरीवेयर, लॉस्ट द गेम। यहां जीतना चाहिए पहले। उस किताब का मकसद था यहां जिताना उसको, क्योंकि जब तक यहां नहीं जीतोगे, विकास केवल एक कल्पना है। That man was confused, like we are. जैसी उसकी अपनी परेशानियां थी, issues थी, हमारी अपनी है। जैसी उसकी अपनी struggles थी, हमारी अपनी है। जैसे उसकी अपनी दुविधाएं थी, वैसे अपनी हमारी भी अपनी है। क्योंकि जीवन एक battlefield है जी, रोज की लड़ाइयां लड़नी पड़ती। If you want to stand strong, then you have to fight every single day. इसीलिए कहते हैं ना, या तो भाग लो या भाग लो, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। दो ही ऑप्शन है, या तो जो हो रहा है उसमें भाग लो, या तुम दबा के भाग लो। और डरपोक, डरपोक भागते हैं तुम दबा कर। जो वीर होते हैं वो भाग नहीं लगते, वो भाग लेते हैं। और उस भाग लेने के लिए सबसे पहले यहां का संवाद। What the world tells you is not as important as what you tell yourself. आप अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया क्या बोल रही है, इससे ज्यादा जरूरी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो
बेकार की बातों में कहीं भी दिल जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने दो उन, वो आपकी जिंदगी नहीं जीने वाले. The guys who are bloody talking behind your back are not going to live your lives. The guys who have nothing to do and gossiping and making some silly comments are not going to live your lives. The guys who are making all of these comments are not going to pay for your bills and taxes. जो जिंदगी जी रहा है ना, वो अपना संवाद बदले. ये अमर उजाला संवाद है. मेरा संवाद का कोई मतलब नहीं, और यहां हुआ कोई संवाद कोई मायने नहीं रखेगा आपके, जब तक आप अपने भीतर का संवाद बदलना नहीं सीखे. And that's precisely why that gentleman Arjuna on the battlefield of Kurukshetra had to change his internal dialogue. In modern parlance, we call it positive self-talk. Your negative self-talk is self-sabotaging and self-defeating. आपको हराने वाला और कोई नहीं है, ये अंदर बैठा है आपका negative self-talk. Change this. And if you can't change this, you cannot change anything externally. Albert Einstein. मेरे पास तो टाइमर नहीं है जी, आप मुझे वक्त बताना होगा. No, I don't know what time it is. What time am I meant to go until? So that's... My God, ये बोल रहे 10 o'clock छोड़े भी नहीं है आपको. Come on, man. What time? 6? 6:40. Okay, we have a couple of minutes. Are you all with me? But बोलो थोड़ा. Yes, sir. देखिएगा जी. हर जगह जाके लेक्चर कर रहे थे, बोल रहे थे उस पर, उसी थियोरी पे. कभी कभी चार चार पांच पांच लेक्चर दे रहे थे. और मुझे आदत है इसकी, जब मैं पांच इवेंट करता हूँ तो पांचवें में थोड़ी एनर्जी होनी है ना. कि इंसान में मशीन थोड़े ना हूँ मैं. जितना भी बोलो गुरु जी, आप तो आत्मा से कनेक्टेड है, यहाँ से उजाला आता है जो अमर है. जितना ही आप बोल दीजिए, हो तो वो तो इंसान मशीन है. मेरी शरीर में एक मशीन है, मन में एक मशीन है. कोई गुरु वरु जो दिखाता है ना कि बैठ के सब एकदम फ्रेश है, वो रेडबुल पी के आया हमेशा. वरना पांच लेक्चर देने के बाद तो कोई गुरु कोई भी हो, मशीन तो मशीन है जी, जानते हैं हम क्या होता है. भली बात ही जानते. मैं पिछले छह दिनों में न्यूयॉर्क से आया, न्यूयॉर्क से दिल्ली आया, 3 दिन दिल्ली में, 3 इवेंट्स किए. दिल्ली से बम्बई 6 घंटे के लिए गया, वहां से दुबई गया, दुबई से कल रात को दिल्ली पहुंचा, आज सवेरे की फ्लाइट लेके जम्मू आया, रात की फ्लाइट लेके दिल्ली जाना है, कल सवेरे की फ्लाइट लेके मुंबई जाना है. भैया मेरा शरीर है, मशीन है, थकेगा वो, चाहे आप गुरु हो या भोरू हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. और उसके बीच में कभी कभी लोग आते हैं रात के 12 बजे सेल्फी खींचने. गुरु जी एक सेल्फी हो जाए. मैं बोला हो जाए. और कई बार तो लोग आके बोलते मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूं ना गुरु जी, एक सेल्फी तो बनती है भाई, 12 बज रहे रात के. और मुझे तो हमेशा गुस्सा मैं करूं, साथ लोग तुरंत बगल में वीडियो करते हैं और तुरंत ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, गुरुजी गेटिंग एंग्री व्हेन आस्क्ड फॉर सेल्फी, लूजिंग हिज टेंपर. ब्लडी तेरे को मालूम है मैं कहां से आया? मालूम है मैंने 7 दिन में कितनी फ्लाइटें ली? जब तक मेरी बैकग्राउंड मालूम नहीं तो मुझे जज कैसे कर सकता है भाई? यही तो होता है ना आपस में, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं सामने वाले को पता ही नहीं है, और वो कुछ भी स्टेटमेंट ठोक देता है ऊपर. एल्बर्ट आइंस्टाइन, 4 लेक्चर हो गए थे, 5वें में कार में बैठे थे, ड्राइवर ने पूछा टायर्ड एल्बर्ट? तो बोला yes. तो बोला डोंट वरी आई विल गिव द टॉक रिलेटिविटी थ्योरी. एल्बर्ट बोला कम अगेन.
ड्राइवर ने कहा मैंने तुम्हारा इंफिनिटी का टॉक इतनी बार सुना है कि पूरा जुबानी याद है, ऐसे के ऐसे वर्बैटिम रिपीट कर सकता हूं मैं। तो तब तो इंटरनेट था नहीं, किसी ने अल्बर्ट का फोटो नहीं देखा था, रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जाओ तुम जाओ, तुम भी ऐश करो, बोल के देख लो क्या बोलते। तो गया ड्राइवर स्टेज पे, सारे साइंटिस्ट बैठे सामने रिलेटिव की फिल्म सुनने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन लास्ट रो में बैठा पीछे देखने के लिए कि ड्राइवर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन इंप्रेस्ड कि एग्जैक्टली जैसे वो बोलता था वैसे ही बोल रहा है। दिक्कत कब हुई जब एक साइंटिस्ट ने टॉक के बाद हाथ उठाया, क्वेश्चन है सर ये तो ड्राइवर है याद करके बोल रहा है बस, सवाल का जवाब बोला ओके आस्क। तो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, ये ड्राइवर अल्बर्ट आइंस्टीन दिखा रहा है अपने को, कहता है यू कॉल योर सेल्फ अ साइंटिस्ट, यू कॉल योर सेल्फ अ साइंटिस्ट, यू आस्क सच अ डंब इडियोटिक स्टूपिड क्वेश्चन एंड यू कॉल योर सेल्फ अ साइंटिस्ट, इट इज सच अ स्टूपिड क्वेश्चन दैट इवन माई ड्राइवर सिटिंग एट द बैक कैन आंसर। ड्राइवर कैन यू आस्क दैट आंसर द क्वेश्चन? और पीछे बैठे अल्बर्ट आइंस्टीन ने सवाल का जवाब दिया। साइंटिफिक कम्युनिटी सोच रहे यार ऐसा है तो साइंटिस्ट साहब ड्राइवर आंसर दे रहे रिलेटिविटी थ्योरी पे। मेरा भी एक अपना ड्राइवर है बॉम्बे में, बहुत प्यारा लड़का है, क्योंकि मेरी कभी भी टाइमिंग्स होती है, कभी भी आना जाना पड़ता है एयरपोर्ट, कोई टाइमिंग्स नहीं है, सेटिंग नहीं है, बॉडी क्लॉक का कोई सेटिंग नहीं है आजकल, कभी भी आता है कभी भी जाना पड़ता है। ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उसके इम्पोर्टेंट इश्यूज पे कंसल्ट नहीं करता, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसकी अपनी एक लेवल है डिस्कशन की, उसकी जगह वो कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ कुरुक्षेत्र पर ना अर्जुन का एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर जो उसकी रथ को दिशा नहीं दे रहा था, उसके विचारों को दिशा दे रहा था, क्योंकि जब तक यहाँ की एनर्जी ऊर्जा नहीं बदलेगी ना, यहाँ नहीं जीतोगे तो बाहर नहीं जीतोगे। दोस्तों मेरा आपसे बस एक निवेदन एक ही है, कौन है वो आपका ड्राइवर? है कोई आपके पास एक ड्राइवर जो आपके विचारों को ड्राइव करे, जो आपकी ऊर्जा को ड्राइव करे? क्योंकि जब तक वो नहीं होगा जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज हम शीतल कुमारी राय, शीतल कुमारी से वार्तालाप कर रहे थे, मैं सुन रहा था सवेरे जब आया तभी, और उनके साथ और देयर वाज वन मोर जेंटलमैन हु वाज अ टाइक्वांडो, मुझे भी मिला, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम यार। इनके पास ना राकेश राय, इनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। सैड स्टोरी ऑफ लाइफ, फॉर व्हाटएवर रीजन दे मे हैव लॉस्ट समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव, बट दे हैव समथिंग दैट नन ऑफ अस हैव, the ability to talk rightly inside. इनमें वो क्षमता है जो अपने आप को बोलकर भैया आर्च भी कर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। A loud round of applause for Shikhar. कैसे कर पाई ये माँ बैठी है वहां, कैसे देख कैसे मुस्कुरा रही है बस अपने बेटी के बारे में सुनकर। माँ है ना, कितनी खुशी होती है सुनकर अपनी बेटी के सक्सेस स्टोरी के बारे में। Can you stand up for 2 minutes? Look at this lady, guys. What she has is the ability to talk rightly here. क्योंकि जब तक ये नहीं होगा भाई साहब, आप जानते हैं पैर से एक बो और एक एरो उठा के कुछ उठाना क्या होता है। हमारे हाथ होते हुए हम एक पेंसिल पेन उठा के एग्जाम लिखते नहीं है दोस्तों। And therefore, thank you. Congratulations. इसीलिए success सूत्र number 2, win here to win outside. Change your talk here to manifest success outside. पहला वाला, if it is to be, it is up to me. Second, change your talk here to manifest success outside. और एक दो चीजें बोलकर आज के इस सत्र को मैं विराम देना चाहता हूँ। गेटिंग अ लिटिल मोर हिंदी, राइट।
विराम देंगे आज के सत्र को. ओ हियर्स माय थर्ड एस्पेक्ट, विकास, सफलता, सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग माइंडसेट के लिए तीसरी चीज. मुझे ना एक बॉम्बे में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपने घर पर बुलाया, बहुत बड़े, नाम नहीं बताऊंगा कौन. मैं गया, बस निकला, मैं अपने कमरे से निकला, 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी उनके घर पे. जब मैं निकला तो जहाँ मेरा कमरा है उसके बगल में एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसके नीचे से मैं चल के जा रहा था तो ऊपर से एक पंछी ने बिल्कुल मेरे सर पे स्ट्रेट अप इधर पच, उस साउंड बोलते ना पच, सीधा मेरे सर पे. और अभी मेरे पास वक्त भी नहीं था कि मैं ऊपर जाऊं और स्नान करके निकलूं. आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि कुछ ऐसे हाथ में लग गया तो जब तक हाथ साबुन से धुलते नहीं वो अनकंफर्टेबल लगता है ना, कैसे लगता है, ओ माय गॉड, ये तो मेरे सर पे पच. और तभी मुझे एक कहावत याद आई, और वो कहावत थी, इफ अ बर्ड पासेस ऑन योर हेड, यू नो व्हाट आई मीन, आई डोंट नीड टू गेट मोर ग्राफिक अबाउट इट. When a bird passes on your head, say, thank God, elephants don't fly. अगर हाथी उड़ सकते तो जानती है मेरा हाल क्या होता था. इसको कहते हैं looking at a situation positively. कि अगर पंछी ने आपके सर पे कुछ किया है तो ये सोचना कि अरे हाथी होता तो क्या होता, तो ये छोटा है कुछ कर ले. मैं पहले वह हमारा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं हमारे कैंपस में, तो रेस्टोरेंट के पास गया, टिश्यू ले लिया, टिश्यू से पोछ लिया, और फिर मैं उस इवेंट के लिए गया, उनसे मिलने गया. लेकिन तब तक वो, आप उनको पता है ना, डिस्कम्फर्ट होती है जब तक आप पानी नहीं लगाए उसको. हम भारतीयों को पानी बहुत अच्छा लगता है. कितने लोगों को ये आदत है कि भाई पानी जब तक नहीं लगे कुछ जिंदगी में चल नहीं रहा ऐसा लगता है. पानी चाहिए, पानी. एक सुना आपको चुटकुला, रियल स्टोरी मेरे दोस्त की. इंग्लिश मैन फ्रॉम इंग्लैंड, वो आया बॉम्बे, मुझे कहता है आई रियली वांट टू ईट समथिंग वेरी स्पाइसी. ओके कम, ले गया मैं उसको हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ कोल्हापुर नाम का एक जगह है, और कोल्हापुर में एक बहुत मसालेदार तीखी स्पाइसी चीज मिलती है जिसको कहते हैं मिसर, लाल होती है बिल्कुल, उसको मैं खाने ले गया. वो खा रहा था, जैसे खा रहा था, पहला स्पून खाया, वो मिसर का जो लाल रंग था उससे ज़्यादा उसका चेहरा लगा. तो इंग्लिश में ना, लेकिन अभी ईगो की थी, ईगो की बात है, तो खाता रहा खाता रहा. तकलीफ उस दिन नहीं होती उतनी. अरे वाह, आपका नाम क्या है? हाँ, प्रज्ञेश, प्रज्ञे, प्रज्ञे वाचक, प्रज्ञे बोल रहा है. अगले दिन होती है, अगले दिन वो अपना काम करके बाहर आया और मुझे बोलता है, नाउ आई नो व्हाई यू इंडियंस यूज वाटर, बिकॉज इफ यू यूज टिश्यू पेपर द पेपर वुड कैच फायर. हमको पानी बहुत पसंद है, पानी लगना चाहिए. कितना ही पॉजिटिव क्यों ना रहे लोग, जो सर पे है उसको डील करना पड़ता है. केवल सोच के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती पॉजिटिव थिंकिंग से. अगर यही सोच के पॉजिटिव थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो केवल सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, सारे कैंसर पेशेंट्स को पॉजिटिव डोसेस देने तो क्यों चाहिए ऑन्कोलॉजिस्ट, क्यों चाहिए ऑन्कोलॉजिस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, द थर्ड एस्पेक्ट फॉर मैनिफेस्टिंग सक्सेस एंड ग्रोथ इज लुकिंग एट opportunities, changing your vision. जब तक आप अपनी अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा बाहर. You have to learn to change the way you look at what's happening. दृष्टिकोण बदलने से और दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदलती है. आपकी सृष्टि बदलनी है तो पहले दृष्टि बदलो.
कुछ लोग ना मौके आते हैं तो मौकों में दिक्कतें देखते हैं, और कुछ लोग ना दिक्कतें आती है तो दिक्कतों में भी मौका देखते हैं। Some people see an opportunity in a calamity and some people see a calamity in an opportunity. Learn to change the way you look at things. Here's one story and then I'll tell you something last to conclude. Are you all with me, by the way? Yeah. Okay, brilliant. Brilliant. Here's my little story for you. Ek company thi, unko salesman कि पोस्ट पे एक कोई चाहिए था, लेकिन वैकेंसी एक ही थी, एक ही सेल्समैन थी बस, और उनके पास तीन लोग आए, तीनों की स्किल सेट सेम, तीनों की एजुकेशन सेम, तीनों एकदम क्वालिफाइड, अभी किसको चुने। तभी जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने सोचा इन सबको हम एक असाइनमेंट, एक काम देते हैं। जानते क्या काम दिया? तीनों को कहा कि यहाँ पहाड़ों में जो आश्रम रहते हैं गंजे साधुओं के, उन गंजे साधुओं को जाके कंघी बेच के आओ। आप जानते हैं गंजे साधुओं के पास जाके कहो लो सर कंघी लीजिए, मुझे बोलो कैसे लगेगा। तो ये तीनों गए और तीनों के तीनों लौट के आए, और तभी उनके मैनेजर ने पूछा, पहले वाले ने कहा सर मैंने आज एक कंघी बेची तीन दिनों में। बोला कैसे बेची एक कंघी? तो कहने लगा मैं जब उस आश्रम में गया तो मैंने देखा एक जो उनका साधु था वो पीछे खुजला रहा था, उसका हाथ नहीं जा रहा था, गंजा था वो लेकिन खुजली हो रही थी तो हाथ नहीं जा रहा था। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं एक कंघी ले ले भाई, कंघी हाथ तो तेरा हाथ से कंघी पहुंचे कि कंघी से खुजला ले, तो एक कंघी बेच दी। दूसरे वाले ने कहा सर मैंने 10 कंघियां बेची। बोले 10 कंघियां कैसे बेची? उसने कहा मैं गया दूसरे आश्रम में और उनके साधु जो हेड थे मुख्य थे उनसे मैंने कहा देखो सर आपके यहाँ इतने लोग आते हैं पूजा करने ध्यान लगाने, लेकिन हवा की वजह से उनके बाल खराब हो जाते हैं, धूल हो जाती है, कंघी रखेंगे तो बाल बना के ठीक से ध्यान लगा पाएंगे। 10 कंघियां खरीदी। तीसरे वाले ने कहा रुको जी 3 दिन में मैंने 1000 कंघियां बेची है गंजे साधुओं को। कैसे? तो उसने कहा मैं गया जो मुख्य थे साधु उनके आश्रम के, उनसे कहा देखिए सर आपके पास ये लोग आते हैं इतने परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, आते हैं या ध्यान लगाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, पहले तो मीठा बोलना चाहिए ना जी, मीठा बोलना चाहिए पहले। देयरफॉर इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड 4 factories। फर्स्ट an ice factory in the head, keep your head cool, a sugar factory on the tongue, speak sweet, and a love factory in the heart, help and be kind to people. If you have these 3 factories and life gives you 4th factory, it becomes satisfactory. Right. ये 3 factories बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाके बोलता है सर आपने ना सबको आप इतनी हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इतनी स्ट्रेस में आप सबको स्ट्रेस निकालते हैं, थैंक यू सर आप ये कर रहे हैं। फिर कहने लगा सर जब आपके पास लोग आते हैं तो बस कुछ सुन के जाते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के जाते हैं, अगर आप इनको कुछ आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे, जब वो घर लौट के जाए वहां भी उनको आपका आशीर्वाद याद रहे, इसीलिए मैंने ऐसी कंघियां बनाई हैं जिस पर आपके कोटेशंस लिखे हैं। लकड़ी की कंघियां 1000 लेकर आया हूँ, आप लीजिए, जो भी आपके डिवोटीज यहाँ आएंगे उनको आशीर्वाद के रूप में ये कोट वाली कंघी दीजिए। साधु बोला अरे वाह अच्छी आइडिया है। तब ये बोला अरे मैनेजर को बोला 1000 कंघियां तो गई, कल ही साधु ने जो उनके मुख्य हेड है उन्होंने 4000 कंघियां और मांगी है, क्योंकि जिन जिन को ये 1000 कंघियां मिली उन्होंने जाके सारे गांव में कहा हमसे 1 पैसा लिए बिना आशीर्वाद मिला है कंघी पे, उस पर कोट लिखा है, फुटफॉल बढ़ गया आश्रम में, डोनेशन बढ़ गया आश्रम में, लोग आने लग गए आश्रम में, जो आ रहे वो भी खुश, आश्रम वाले खुश, जो आश्रम में आ रहे थे वो खुश। मैनेजर ने तय कर लिया इसको सेल्समैन बनाना चाहिए, क्योंकि वो
मौकों में दिक्कतें नहीं देखता है, वो दिक्कतों में मौके देखता है। इसलिए जब भी मौका मिले लगाओ चौका। एंड विच इज प्रिसाइज़ली व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमारे सक्सेस सफलता विकास की तीसरी कुंजी है, जब भी अपॉर्चुनिटीज आए ना उसमें मौका देखिए। डोंट लुक एट इट एज अ ट्रबल। जो भी हुआ हो, जो भी हो रहा हो, जब आप ये देख पाए तब होगी उन्नति, प्रगति, विकास। एंड हियर इज माई लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू टूडे एज आई कंक्लूड माई सेशन फॉर दिस इवनिंग। शैल वी रिपीट द फर्स्ट थ्री गाइज? पहला, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। सेकेंड, चेंज योर इनर सेल्फ टॉक टू मैनिफेस्ट योर एक्सटर्नल सक्सेस। थर्ड, Do not look at calamity in opportunity, look at opportunity in calamity. And Amar Ujala, I was talking to the respectable governor before this, he was there, and the people there were talking about the opportunities for tourism here. Opportunity hai, mauka hai, desh mein kuch karke dikhane ka mauka hai. Agar mauke mein dikkat dekhegi to kuch nahi hoga, dikkaton mein mauka dekhenge तब कुछ कर पाएंगे, है ना। और ये मेरे लास्ट वाला जी, आप में से कितने लोगों ने कभी कोई उपवास किया है? एनी फास्टिंग यू डन? ओके, एनी फास्टिंग? परफेक्ट। अगर 2023 में आपको उपवास करना हो ना जी, तो खाना पीना रुकने की जरूरत नहीं है। नवंबर ऑफ 2023 अगर उपवास करना है तो एक दिन बिना स्मार्टफोन के, एक दिन बिना व्हाट्सएप के, एक दिन बिना इंस्टाग्राम के, एक दिन बिना लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल के, एक दिन उपवास करके दिखाओ। भगवान नीचे उतरेंगे, बोलेंगे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? We live in a very fast world, guys. Extremely fast world. ऐसी ऐसी चीजें बदलती है रोज। ऐसी एक 4 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, when was I downloaded, mom? Downloaded? शुक्र है खुदा का ये नहीं पूछा, when was I uploaded? I'm sorry. कैसा सब कुछ बदल रहा है रफ्तार से, तेजी से। और अगर विकास करना है तो उसी रफ्तार के साथ हमको भी बदलना होगा। मुझे देखिए, मैं ये कपड़े पहनता हूं, मैं एक बड़ा टीका लगाता हूं, मेरी अपनी जीवन में अपनी एक साधना है, अपनी एक प्रैक्टिस है। लेकिन जब मैं बोलता हूं तब मैं वक्त के समय के साथ जो जो चल रहा है उसके हिसाब से बोलता हूं। अगर मैं वक्त के साथ बदल सकता हूं तो आप लोगों को तो वक्त के साथ बिल्कुल बदलना चाहिए। एंड गेस व्हाट गाइस, द पास्ट इज हिस्ट्री, tomorrow is a mystery and today is a gift that God has given us, that's why we call it a present. Aur isliye present mein capitalize karna, aaj ke paas jo hai hamare paas gaya, chhodo kal ki baatein, kal ki baat purani, naye daur pe likhenge hum milkar nayi kahani, hum hindustani, हम हिंदुस्तानी। यू नो व्हाट गाइस, वी ऑल हैव द ऑपर्चुनिटी टू बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर टुगेदर हियर इन JNK, अक्रॉस द कंट्री, इन इंडिया। आज भारत इंडिया का बोलाबाला है, आज हमारी पहचान है। और इसी पहचान पे अगर हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसी पहचान को अगर हम अपनी आइडेंटिटी बना के कुछ नहीं करेंगे, तब तो जी सुनहरा मौका हाथों से निकल जाएगा। बी इट इज अप टू मी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस, चेंज योर सेल्फ टॉक टू मैनिफेस्ट योर सक्सेस। व्हाट यू टेल योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट द वर्ल्ड टेल्स यू।
नो अपॉर्चुनिटी विल कम बैक अगेन. मौकों में दिक्कतें देखने की बजाय दिक्कतों में मौका देखिए, ये तीसरी बात सीखिए. और चौथी लास्ट बात, रिमेम्बर एट ऑल टाइम्स, अतीत अतीत है. अतीत को लेकर बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा. आज जो वर्तमान है, वर्तमान में भविष्य बनाने का सबसे बड़ा मौका है. एंड इफ वी कैन कैपिटलाइज ऑन द प्रेजेंट, वी आर क्रिएटिंग अ ब्राइट फ्यूचर. कंक्लूसिवली, लेट अस लिव अ कंप्लीट लाइफ ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस, गुड मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब मिला के कंप्लीट लाइफ कर देते हैं. नहीं तो लाइफ विल बी फिनिश्ड एनीवेज. किसी ने एक आदमी से पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कंप्लीट एंड फिनिश्ड. इसने कहा, इफ यू गेट द राइट लाइफ पार्टनर मैरिज, इफ यू गेट राइट लाइफ पार्टनर योर लाइफ इज कंप्लीट. इफ यू गेट मैरिड टू द रॉन्ग पर्सन, योर लाइफ इज फिनिश्ड. बट इफ द राइट वन कैचेज यू विद द रॉन्ग वन, your life is completely finished. Ladies and gentlemen, you've been a great audience. I thank you all very, very much for your enthusiastic participation this evening. And once again, I want to thank Amar Ujala, especially Himanshu. Himanshu and me met at the Amex Lounge in Delhi the other day, and that's when this entire thing happened. And I rushed from Dubai and all kinds of crazy schedules to be here with all of you. Thank you all very much. Wishing you all the very best. Thank you. Give it up, ladies and gentlemen, for none other than Gaur Gopal Das Ji. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time. And could we please take a moment to express our gratitude to him? I humbly request Mr. Himanshu Gautam to please join us, CEO Safalta.com, with a big round of applause. Ladies and gentlemen, capturing this moment for posterity in our hearts so that we can express our gratitude to none other than Gaur Gopal Das Ji. And we truly believe, ladies and gentlemen, one of the first motivational talks ever to be conducted in the world was by Lord Krishna himself when he guided Arjun. And what better way than a disciple of Lord Krishna giving us this beautiful guidance today. Let's give it up one more time for Gaur Gopal Das Ji.